नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दीपोत्सव से पहले अयोध्या में दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने मेले का उद्घाटन किया। यह दीपोत्सव मेला 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक शहर के GIC ग्राउंड में चलेगा, जिसमें पटरी दुकानदार, रेडी दुकानदार, कुम्हार और अन्य विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में प्रवेश वो है निःशुल्क रहेगा। वहीं मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। मेले में मैजिक शो, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, स्थानीय लोक गायन, स्थानीय कौशल योग कला का प्रदर्शन जैसे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं मेले में पथ विक्रेता अपने सामान को सुगमता पूर्वक अधिक से अधिक बिक्री कर सकेंगे, इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में जनमानस के पहुंचने की भी अपील इस वक्त की जा रही है। वहीं महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि परंपरागत रूप से दीपावली के अवसर पर बड़ी संख्या में आम जनमानस की तरफ घरेलू उपयोग के विभिन्न वस्तुओं का क्रय इस वक्त मेले में किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दीपोत्सव से एक हफ्ता पूर्व मेले के आयोजन का निर्देश था, उस क्रम में हमने 101 स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए हैं। मेले का उद्घाटन यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी के करकमल द्वारा हो चुका है। अयोध्या के जो भी जनमानस हैं, जो भी नागरिक हैं, लोकल फॉर वोकल, जो यहाँ का लोकल उत्पाद है और विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो दिवाली से संबंधित भी हैं, कृषि से भी संबंधित हैं, खादी ग्रामोद्योग से संबंधित हैं, सब एक जगह पर एक पटल पर सबको ये सुविधा मिल सके, इस नाते यहाँ के नागरिकों की यह सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में श्रीलंका में माता सीता को रावण ने जिस अशोक वाटिका में रखा था, उसी स्थान का श्रीलंका के राजदूत और दो मंत्री पत्थर लेकर रामलला के आज दरबार पहुंचे। बता दें कि रामलला के दरबार में अशोक वाटिका की शिला को स्थापित किया गया और रामलला की आरती उतारी गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने श्रीलंका के मेहमानों का स्वागत किया और अयोध्या के वरिष्ठ संत समाज भी इसमें शामिल रहे। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए श्रीलंका के राजदूत ने कहा कि इस कदम से बेहतर भारत श्रीलंका के रिश्ते होंगे, दोनों देशों के बीच सेतु की तरह विकसित अयोध्या होगी, श्रीलंका के लोग भी यहां दर्शन करने के लिए आएंगे, हम श्रीलंका और अयोध्या के बीच यात्रा भी शुरू करेंगे, अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनना खुशी की बात है। आज उच्चायुक्त महोदय आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और हम कह देंगे उनको कि हमने ये शिला आज समर्पण की है। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है हमारे रिश्ते में। धीरे धीरे डिप्टी हाई कमीशन से भी बातचीत हुई और श्रीलंका में हिंदू कांग्रेस की पदाधिकारियों से वार्ता हुई। आज 28 तारीख को अयोध्या। वही फतेहपुर में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की महिला राज्य मंत्री छाया देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोग की महिला राज्य मंत्री ने कई बातें कही। उन्होंने शासन की तरफ से जारी प्रोटोकॉल का अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किए जाने की बात कही है। सर्किट हाउस में 3 घंटे इंतजार राज्य मंत्री जो है वो करती रही। डीएम से महिला राज्य मंत्री ने शिकायत दर्ज की, फिर भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचे। महिला राज्य मंत्री ने बेइज्जती महसूस करते हुए सीएम से शिकायत करने की बात कही है। पुलिस विभाग के कर्मचारी आए थे और ये नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं ये तो अभी तक मेरे पास आए नहीं। यहाँ पर किसी के द्वारा ये सूचना मिली कि यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें समय से वेतन नहीं दिए जा रहे हैं और एक एक व्यक्ति से 6-6 बीट पे काम कराए जा रहे हैं। अगर आदमी की कमी है तो यहाँ पर जो है 10,000 पे जो 28 कर्मचारी रखे जाते हैं कम है तो वो उन्हें
वही अगली खबर जनपद मैनपुरी से है, जहां पूर्व सपा सांसद तेज प्रताप की तरफ से सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम से गेट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने महंगाई व पेट्रोल के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उस पर सरकार को घेरा। उन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सरकार पर जमकर हमला बोला। किसानों की प्रमुख समस्याओं में डीएपी खाद की किल्लत के बारे में भी उन्होंने सरकार की नाकामी को बताया। सिद्धार्थनगर में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि भारत सरकार की ओर से भगवान गौतम बुद्ध का अस्थि कलश कपिल वस्तु में लाने का प्रयास इस वक्त जारी है। उनके स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसमें 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए वित्त पोषण किया जा रहा है अनुसूचित जातियों के लिए, और उत्तर प्रदेश की पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, जिसमें 20,000 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक का वित्त पोषण हम लोग कर रहे हैं अनुसूचित जातियों के रोजगार के लिए। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामले में दोनों पक्षों में के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्षों ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लगभग जो है 8-7 आदमी थे। नाम मालूम है? हाँ, जिनका नाम जो है ओमनाथ, राम प्रकाश धूरे, और क्या कहते हैं भोला, दज्जू, फरमान, सुल्तान, इतने लोग सब मारने में थे। मामला था बिजनेस को लेकर मारपीट। किसने मारपीट किया? ओमनाथ बाबू साहू और कृष्ण बिहारी साहू व उनकी लेबर। वही चंदौली के स्थानीय थाने के आसपास के क्षेत्र में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। क्षेत्र के दुकानों में लगातार हो रही चोरी की घटना से व्यापारियों में जहां दहशत और आक्रोश है, वहीं स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरों के निशाने पर ज्यादातर ज्वेलरी की दुकानें हैं। अभी कुछ दिन पहले पांडेपुर स्थित एक ज्वेलरी की दुकान का छत तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया था। वहीं इस घटना से स्थानीय व्यवसायी अभी ऊपर नहीं पाए थे कि घटना की सूचना मिलने के बाद बबूरी पुलिस ने आकर जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। वहीं क्षेत्र में लगातार व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हो रही चोरी की घटना से स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश पनपता जा रहा है। वही सोना और चांदी का माल। कितना लगभग कितने का माल आपका गया है? वही लम सम्मान का, चलिए 2.5 किलो चांदी और 10-15 ग्राम। मथुरा के नगर कोतवाली इलाके में संदिग्ध हालत में 50 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव को देखकर पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। घटना की जानकारी के थोड़ी देर बाद मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। वही मामले को लेकर स्थानीय व्यक्ति ने भी जानकारी देते हुए बताया कि उसने शव को देखने के बाद परिजनों को तत्काल सूचना दी। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल रात में शादी भांजी की हुई थी, बारात आई थी, सगाई में हम 2 लाख रुपए कैश और सोने की अंगूठी दे चुके थे। कल जी लोग आए हैं तो 3 लाख रुपए कैश और गाली की इन लोगों ने मांग की है। गाली आते ही गाली गलौज करने लगे तो उनको बोला गया कि नहीं भाई, नहीं हो पा रहा, पलाट में से इतना लिया दिया जितना हो सका हमने आप लोगों को किया, नहीं माने वो आधे दहेज ले गए और दहेज लेके वो लोग चले गए। नकाह भी किया, दहेज लेके वो चले गए, कहते हमको नहीं ले जाना है।
कहते पहले 3 लाख रुपए गाड़ी दी जाओ, फिर इसके बाद हम आपकी लड़की को भांजी को ले जाएंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।